बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हेमचंद यादव की अंतिम यात्रा में उमड़े लोग। दुर्ग के हरना बंधन में होगा अंतिम संस्कार। सीएम रमन सिंह समेत सरकार के मंत्री, विधायक और विपक्ष के कई नेता रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजापुर दौरे का कार्यक्रम जारी। 14 अप्रैल को 3 घंटे से ज्यादा समय रहेंगे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, नहीं आएंगे जगदलपुर एयरपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 14 अप्रैल को भोपाल आएंगे, राजधानी से करेंगे संविधान बचाओ अभियान का आगाज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कमलनाथ आज से छिंदवाड़ा के 4 दिन के दौरे पर, कई सभाओं को करेंगे संबोधित। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती समारोह में होंगे शामिल। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज, 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर होगी चर्चा। ताज ग्रुप को बार लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क में मिल सकती है छूट। लोकतंत्र की हत्या के विरोध में आज अनशन पर बैठेंगे बीजेपी सांसद, जिला मुख्यालय पर करेंगे अनशन। गुना में प्रभात झा, रतलाम में सत्यनारायण जाटिया, छिंदवाड़ा में कैलाश सोनी होंगे शामिल। बैरागढ़ के लाल घाटी चौराहे पर स्कूल बस ने मासूम को कुचला। मां और भाई के साथ पैदल जा रहा था बच्चा, घटना के बाद ड्राइवर फरार, गुस्साए लोगों ने जमकर की तोड़फोड़। इंदौर में खंडवा रोड की शराब दुकान हटाने को लेकर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, अर्धनग्न होकर आबकारी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी। गरियाबंद में सूखा राहत की राशि के लिए किसान भटकने को मजबूर। 70 किसानों ने कलेक्टर से लगाई मुआवजे की गुहार, कहा फसल चौपट, अब तक नहीं मिला सर्वे, न मिला मुआवजा। और हरदा में ग्राम सावरी में जल संकट गहराया, दूषित पानी पीने को मजबूर ग्रामीण। हैंडपंपों ने साथ छोड़ा, सरकारी बोरिंग भी सूखी नहीं हो रही सुनवाई।